जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। हम लोग अभी पिछले भाग में देखे कि परशुराम लक्ष्मण का आपस में संवाद चल रहा है और लक्ष्मण जी चिढ़ाते जा रहे हैं, परशुराम गुस्से में आ जा रहे हैं, लेकिन उनसे फावड़ा चल नहीं रहा है। बोले कि ये इतना कठोर मेरा फावड़ा जिससे कि राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते इस शत्रु बालक को मैं जीवित देख रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इसके आगे की कथा आज कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। भयउ बाम विधि फिरे सुभाउ मोरे हृदय कृपा कसिकाउ। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा हाथ चलता नहीं, लेकिन क्रोध से मेरी छाती जली जा रही है। क्या करें, ये राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है। मेरा जो फरसा है वो भी एक मेरे बस में नहीं है। विधाता विपरीत हो गया है, मेरे खिलाफ हो गया है, इसीलिए मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी के लिए कभी कृपा तो हुई ही नहीं। आज दया दुख दुसह सुहावा सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा बाऊ कृपा मूरति अनुकूला बोलत बचन जरत जनु फूला। परशुराम जी कहते हैं कि ये जो दया आ रही है इसके ऊपर, ये उसके कारण मुझे दुसह दुख हो रहा है, असहनीय दुख हो रहा है, ये मुझसे सहा भी नहीं जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा करके सिर झुका लिए और बोले, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के ही अनुकूल है। वचन बोलते हैं ऐसे मानो फूल झड़ रहे हैं। जो ये कृपा जरही मुनि गाता क्रोध भये तनु राख विधाता देखु जनक हठि बालक एहूं कीन चहत जड़ जम पुर गेहूं। लक्ष्मण जी झिड़काए कि हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। जैसे ही वो चिड़काए, परशुराम जी फिर भड़क गए। हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है, मरना चाहता है। बेगी करहूं किने आखिने ओटा देखत छोट खोट निपुढोटा बियसे लखनु कहा मन माही मुदे आखी कतों को नाही। बोले परशुराम जी की ये जनक, इसको जल्दी से जल्दी मेरी आँखों से दूर कर दो। यह राजपुत्र जो राजा का बेटा है, देखने में छोटा है लेकिन है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी हंस के मन ही मन बोले, मुनि आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद कर लेंगे कुछ नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध संगो सरासनु तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी अब लक्ष्मण जी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो देख सोचे चलो रामचंद्र जी को ही बोलते हैं कुछ। फिर गुस्से से रामचंद्र जी की ओर बोले, अरे दुष्ट, तू शंकर जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हमी को ज्ञान सिखा रहा है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे तू छल विनय करसी कर जोरे करु परितोषु मोर संग्रामा नाही तो छाड़ कहाउ रामा। बोले राम जी से कि रामचंद्र जी से परशुराम कि तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोल रहा है, अगर तुम इसको बढ़ावा नहीं देते तो ये ऐसे कठोर वचन नहीं बोलता। और तू क्या कर रहा है, बड़े छल कपट से हाथ जोड़कर मेरी विनय कर रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो, या तो मुझसे हार जाओ या फिर राम अपना नाम बदल लो। छलु तजि करहि समरु शिव द्रोही बंधु सहित नत मारहु तोही
भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुस्से से राम को कह रहे हैं परशुराम जी, अरे शिव द्रोही, शिव के दुश्मन, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मैं मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए हुए बक बक किए जा रहे हैं और रामचंद्र जी सिर झुकाए हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहू। रामचंद्र जी मन ही मन बोले कि दोष तो लक्ष्मण का है, लक्ष्मण जी बोले जा रहे हैं और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जवाब दे जा रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधापन में भी बड़ा दोष होता है, टेढ़ा जान करके लोग किसी की भी वंदना करते हैं। जैसे टेढ़ा अगर चंद्रमा रहता है तो उसको राहु भी नहीं ग्रसता, चंद्रमा को चंद्रग्रहण तो पता ही है आपको, पूर्णिमा के दिन लगता है जिस समय पूरा चंद्रग्रहण रहता है। जब टेढ़ा होता है तो बाकी दिन टेढ़ा रहता है, तो उस दिन राहु जो है उसको ग्रस्ता नहीं, मतलब ग्रहण नहीं लगता। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे सीसा, जय रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। रामचंद्र जी मन ही मन तो सोच रहे हैं ऐसा सब कुछ, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे हैं। फिर बड़े प्रेम से बोले, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है, फरसा है, और उसके आगे मेरा ये सिर है, जिस प्रकार से भी आपका क्रोध दूर हो हे स्वामी वही कीजिए, और मुझे अपना दास ही समझिए। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु भी प्रबर रोस, बेसुलो के कहे सी कछु, बालक हूँ नहीं दोस। रामचंद्र जी बोले कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, आप युद्ध के लिए कह रहे हैं परंतु आप स्वामी मैं सेवक, हमारे बीच में युद्ध कैसे हो सकता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध त्याग दीजिए, आपका जो ये वीरों जैसा वेश देखा उसी देखकर ही वो बालक लक्ष्मण ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है, उसने सोचा कोई बहादुर है, आपको मुनि वो नहीं समझा। देख कुठार बाण धनुधारी, बैलरी कहिरी से बिलरु बिचारी, नाम जान पे तुम ही न जीना, बस ससुआउ तरते दीना। आपके पास कुठार फावड़ा है, बाण और धनुष धारण किए हुए हैं, ये देख करके और आपको कोई वीर बहादुर बड़ा प्रतापी समझ करके बालक को क्रोध आ गया, और वो आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं, और अपने वंश रघुवंश का जो स्वभाव है उसी के अनुसार उसने उत्तर दे दिया, क्योंकि रघुवंशी कभी भी जो है किसी वीर के ललकारने पर पीछे नहीं हटते। जाओ तुम आओते हूँ मुनि की नाई, पदर जसी रसी सुधरत गुसाई, क्षमा चूक अन जानत केरी, चाहिए भी प्रौर कृपा गनेरी। यदि आप मुनि की तरह आए होते तो हे स्वामी ये बालक आपके चरणों की धूल भी अपने सिर पर रखता, और अनजाने में उसके भूल को क्षमा कर दीजिए, ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमाही तुम्हारी सारी बारी कसीना था, कहूं न का चरण कहमा था, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़े नाम तुहारा। और रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है, कहिए न, कहाँ ये चरण और कहाँ मस्तक, दोनों का कहाँ कोई तुलना ही नहीं है, कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम है और आपका नाम तो परस के साथ पर बड़ा सा नाम है परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा भी प्रयपराध हमारे।
रामचंद्र जी उनको मना रहे हैं परशुराम को, हे देव हमारे पास तो एक ही गुण है, धनुष बाण है, और आपके पास तो परम पवित्र 9 गुण हैं, साम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये सारे 9 गुण हैं। हम आपसे हर तरह से हारे हुए हैं, हे विप्र हे मुनि हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी ताऊं बंधु समबाम। जब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि विप्रवर कहा और उनको मनाने की कोशिश की, तब परशुराम जी कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और व्यंग से हंस के बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस भी प्रसुनावं तो ही, चाप सुआसत आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषानु। परशुराम जी गुस्सा एक व्यंग से हंस के बोले, अरे तू मुझे नीरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा ब्राह्मण हूँ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, धनुष को श्रुआ और बाण को आहुति, ये मेरे क्रोध को एक मेरे क्रोध के अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पसुआई, मैं यही परसु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। परशुराम जी अपना डींग हाँक रहे हैं कि ये चतुरंगड़ी सेना, इसकी समाधियां हैं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर के बलि के पशु हो गए हैं, अर्थात मैंने अपने फावड़े से बहुत कितनी इस चतुरंगणी सेना और राजाओं को मार मार के नष्ट कर दिया है, और इसी फरसे से मैंने उनका काट के बलि दे दिया है, ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मैंने मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ इतने लोगों की आहुतियाँ दे दिया है, उसी प्रकार मैं पुकार पुकार करके राजाओं की, मतलब ललकार करके राजाओं की बल मैंने दिया है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बिलसिनी दरि विप्र के भोरे, भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा, अमिति मनु जीति जग उठाड़ा। परशुराम जी आगे बोलते हैं, मेरा प्रभाव तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहे हो, धनुष तोड़ डाला और इससे तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत करके खड़े हुए हो, एक धनुष क्या तोड़ दिया, एकदम अहंकारी हो गए हो। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूँ अभिमाना। जब उन्होंने कहा कि आपको अहंकार हो गया है धनुष तोड़ने का, तो रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि थोड़ा समझ के सोच समझ के बोलिए, आपका क्रोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी भूल तो बड़ी छोटी सी है, ये पुराना धनुष था छूते ही टूट गया, अब मैं किस लिए अभिमान करूं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जो हम निदरहि विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौ अस को जग सुभटु जहि भय बसना वही मात। और रामचंद्र जी थोड़ा गुस्से में बोले कि हे भृगुनाथ, हे परशुराम जी भृगु के पुत्र, यदि सचमुच हम आप ब्राह्मण कह के आपका निरादर कर रहे हैं, तो ये भी बात समझ लीजिए, संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे कि हम डर के मारे मस्तक नवाएं, ऐसा कोई भी नहीं है, हम रघुवंशी हैं। देव धनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना, जौ रण हमहि पचारे को, लड़ई सुखेन कालु किन हो। रामचंद्र जी बोल रहे हैं आगे गुस्से में ही कि देवता हो दैत्य राजा या कोई बहुत ढेर सारे योद्धा हो, चाहे हमारे बल में बराबर हो या हमसे ज़्यादा बलवान हो, लेकिन अगर मुझे हमें युद्ध में कोई ललकारे
तो हम उसको खुशी खुशी लड़ेंगे, चाहे वो काल ही क्यों ना हमारे सामने लड़ने के लिए आ जाए। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कुलंकु तेहि पावर आना, कहूं सुभाउ न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर रघुवंशी। रामचंद्र जी बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय का शरीर रखा हूँ, मेरा क्षत्रिय का शरीर है, और क्षत्रिय का शरीर धर होते हुए जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने तो अपने कुल पे कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कह रहा हूँ, कोई अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कि रघुवंशी युद्ध में तो काल से भी नहीं डरते, मृत्यु से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, सुने मृदु मूल वचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मति के। और रामचंद्र जी ने बोला, कहा कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, महिमा है, कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। अगर ब्राह्मणों से मैं डर रहा हूँ, भय रहित हो रहा हूँ, तो मैं सबसे निडर हो जाता हूँ, सबसे जीतने का के योग्य हो जाता हूँ। ये आपके वंश की महिमा है, ब्राह्मण की महिमा है। इसलिए रघुनाथ जी जो उनको इतना कहे, तो थोड़ा सा उनको लगा परशुराम को कि ये क्या बोल रहे हैं। उनके कोमल किंतु रहस्यपूर्ण वचन सुने तो परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुलने लगे। राम रमापति कर धन लेहूं, खैचहूं मिटे मोर संदेहूं, देत चापुआ पहीं चलिया गयूं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। जब परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुले, तब उनको कुछ ज्ञान आया कि नहीं यार, कुछ तो बात है, लगता है ये भगवान ही है। क्योंकि उनको पता था कि मेरे बाद नेक्स्ट जो अवतार आएंगे वो विष्णु भगवान के शायद आ गए हैं, उनको ये ज्ञान तो था ही, वो भी भगवान के ही अवतार थे। तो उन्होंने, उनको समझ में आ गया, लगता है कि यही है। तो उन्होंने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, विष्णु भगवान के अवतार, धनुष को हाथ में लीजिए, मेरा ये धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे कि मेरा संदेह मिट जाए, मेरा जो शक है मिट जाए। क्योंकि ये धनुष जो है विष्णु भगवान ही चढ़ा सकते हैं, इसको खींच सकते हैं, तो मेरा शक मिट जाएगा अगर आप इसको खींच दोगे तो। परशुराम जी जब धनुष देने लगे तो अपने आप ही उनके पास चला गया। जैसे अपने आप उठ के धनुष उनके पास गया, तो परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, करी ये क्या हो रहा है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गा, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम समात। तब देखा उन्होंने कि ये धनुष तो अपने आप ही चला जा रहा है रामचंद्र जी को, तब उनके प्रभाव को समझ गए कि जरूर जरूर ये विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, विष्णु जी का धनुष है, इसलिए उनके पास जा रहा है, और मेरा समय हो गया है। ये समझ करके, उनके प्रभाव को समझ करके, उनका शरीर पुलकित पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, और हाथ जोड़ करके प्रेम से, इतने प्रेम हो गया उनके हृदय में कि जो कि उनके हृदय में समा नहीं रहा है, हाथ जोड़ करके बोले, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु, जय सुरभि प्रदेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। वे रामचंद्र जी की प्रार्थना करने लगे कि हे रकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय समीर छवि कोटि अनंगा। परशुराम जी उनकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा धारण करने वाले, आपकी जय हो।
करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहउ अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो ब्राता। वो बोलते हैं परशुराम जी, विनती कर रहे हैं कि मैं अपने एक मुख से क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कह दिए। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तब हे तू। अपभय कुटिल महीप डेराने, जत कायर गमहि पराने। परशुराम जी बोले, हे रघुकुल के पता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कह करके परशुराम जी तपस्या के लिए वन को चल दिए। और ये देखा तो दुष्ट राजा तो सोच रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि परशुराम जी आए हैं, अब इनका हिसाब किताब कर देंगे रामचंद्र जी का। लेकिन जब देखे तो उनकी जो है जय जयकार करके वन चले गए, तो फिर वो डर गए और डर करके इधर उधर भाग गए, क्योंकि वो सोचे कि हमने तो इनका अपमान किया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बदला लें। इस व्यर्थ के डर से, भगवान राम तो ऐसा कुछ करने वाले थे नहीं, लेकिन फिर भी उस व्यर्थ के डर से वो लोग कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दंदु भी प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मय सूल। जब परशुराम जी चले गए, देवता लोग नगाड़े बजाने लगे और भगवान राम के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब जो डरे हुए थे, सब एकदम खुश हो गए। उनका जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ डर था, सब मिट गया। और सब आगे क्या होता है, अब शादी की तैयारी कैसे होती है, क्या होता है, ये करेंगे हम अगले भाग में। तब तक प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।